1600 बच्चे निकल आए ग्रेस मार्किंग वाले, कल तक तो यही बोले थे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये दोहरा चरित्र है वो धीरे धीरे सामने आ रहा और भी सामने आता जाएगा। हमें तो यहाँ पीएम साहब बैठने ही नहीं दे रहे। ये कोर्ट का आदेश जो आया है ये तो बच्चों के साथ बहुत गलत है। सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए, कहीं ना कहीं ओएमआर से छेड़छाड़ की गई बच्चों के, इसलिए इतना ज्यादा वेरिएशन आया है रिजल्ट में। काउंसलिंग पे स्टे चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है नीट के एग्जाम को लेकर। एनटीए ने ये एग्जाम मई के महीने में लिया था, 14 जून को रिजल्ट आना था लेकिन 4 जून को ही ये रिजल्ट आया और इसमें एक बड़े स्कैम की बात सामने आ रही है। ग्रेस मार्क्स को लेकर जो है लगातार विवाद बना हुआ, हालांकि कोर्ट ने कहा कि 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको रद्द किया जाएगा, उनको जो है दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। उनसे लॉस ऑफ टाइम के कारण उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और तो यहाँ जंतर मंतर पे ये नीट सत्याग्रह हो रहा है। तो हम बात करते हैं सर, ग्रेस मार्क्स को लेके जो बात हो रही तो कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है कि 1563 बच्चों को जो है फिर से दोबारा एग्ज़ाम जो है देना है, लेकिन एग्ज़ाम सभी बच्चों का नहीं लिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, ये जो री एग्ज़ाम के लिए बच्चे बोल भी रहे हैं या फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को लिए कह रही है, देखिए री एग्ज़ाम मैं समझता हूँ कोई सोल्यूशन नहीं है और आज का मुद्दा नहीं है ये। हमारे देश में ये देखा जा रहा है, इतनी सारी जो भर्तियां निकलती हैं उनके एग्ज़ाम लीक हो गए, मतलब क्वेश्चन मार्क लीक हो गए, वो समस्या जो है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक वो भ्रष्टाचारी लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा जो आज शासन में और प्रशासन में बैठे हुए हैं और अपनी खुद की महत्वाकांक्षा के लिए वो जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पर नहीं जानता, चूँकि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो अपने विषय का वो जानकार है, लेकिन एक अभिभावक होने के रूप से मैं कहता हूँ कि हम लोग कितनी भी किसी भी तरीके से कमाई करते हैं, परेशान होते हैं, एक बच्चे के उज्जवल भविष्य की जो हम कामना करते हैं, हमें विश्वास है, हमें अपने भारत देश की सरकार पर विश्वास है, हमें विश्वास है यहाँ की न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास टूटता हुआ नजर आता है जब हम ऐसी चीजें देखते हैं कि इतना हाई कॉन्फिडेंशियल ये एग्जाम होता है, इसमें कोई ऐसे ही बच्चे नहीं चले जाते, दिन रात मेहनत करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं और जब उनके सामने ऐसी समस्या आती है तो बच्चे हताश हो गए। आप देखिए कितने बच्चे आज सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि आने वाला जो समय है कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिक्स में जाए, अलग अलग क्षेत्र में जाके वो तभी जब उसको अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा, और मैं समझता हूँ अच्छा प्रशिक्षण जो है आज सरकार द्वारा जो बड़े बड़े संस्थानों द्वारा दिलवाया जा रहा है उस प्रशिक्षण को पाने के लिए बच्चा इंडिविजुअली इतनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब उसके साथ इस तरीके के रिजल्ट आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी आगे आना चाहिए। लेकिन आज बहुत बड़ा एक ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि बच्चे हताश हो जाते हैं, माँ बाप भी डरते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट का मामला ये है, आज प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से भी लोग बाग नहीं कर पा रहे, आपने देखा होगा लाठियां चार्ज होती है, पुलिस वाले उठा के फेंक देते। देखिए ये लोकतांत्रिक देश है और मैं समझता हूँ महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं, देश के बापू हैं, उनके उनकी जो नीति है कि आप अपने लिए संघर्ष करें और जो व्यक्ति अपने लिए संघर्ष करता है मैं समझता हूँ औरों का भी भला होता है। तो आज ये बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, मैं न्याय पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार पांचाल पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और इनकी इस मुहिम को हम पूरे देश में हर राज्य में चलाएंगे। तो जिस तरह से नीट के एग्जाम में गड़बड़ियों की बात आ रही, तो क्या किस तरह की डिमांड्स है अब आपकी, जो कि 1563 बच्चों जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है तो उनको फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा ऐसा कोर्ट ने कहा है? कल तक तो यही बात बोले थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एनटीए मना कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और आज हो गया। अभी देखते हैं, अभी थोड़ी सी और समय दीजिए, अभी और धांधली निकलेंगे, जो जो इन्होंने किया है धीरे धीरे निकलेगा। तो आप लोगों की मुख्य जो मांगे हैं वो क्या है, क्या चाहते हैं आप? देखिए री एग्जाम की हमारी मांगे हैं, री एग्जाम होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ कुछ लोग देखे कि बोले कि आप पेपर दिए कि नहीं दिए, एक आध लोग ये बोल के गया, भाई ने यूपीएससी को, भाई को यूपीएससी देना है, मेरे को एसएससी देना है, भाई कोई और एग्जाम देना होगा। आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो, कुछ लोग बोले क्यों बैठे क्यों, पुलिस वाले हमको अंदर नहीं आने देते हैं, बोलते तुम्हारा क्या काम है। आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो, परसों मेरी बहन के साथ होगा, नरसों मेरे भाई के साथ होगा, आज इनके लिए बैठे हैं, कड़ी कार्यवाही जब उनके ऊपर होगी तो ऐसे जो काम है दोबारा नहीं किए जाएंगे। अब एक बात बताइए, आप एक्सीडेंट के बाद हेलमेट पहनते कि एक्सीडेंट के पहले हेलमेट पहनते, एक्सीडेंट के पहले हेलमेट पहनते हैं ना कि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन एनटीए जो है एग्जाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी की बात नहीं मानता है, हालांकि पटना में गिरफ्तारियां हुई हैं, कल तक भी नहीं मान रहा था। देखिए आज 1600 बच्चे निकल आए ग्रेस मार्किंग वाले और नंबर कैसे दे के रखे थे, 619 नंबर, 617 नंबर, सही आंसर में कितना मिलता है, 4 मार्क्स मिलता है और गलत में कटता है 5 मार्क्स कटता है, तो 19, 17
और 18 नंबर कैसे आ सकते हैं, 619, 617, 618 नंबर कैसे आ सकते हैं? कल तक तो यही बोले थे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनका कहना है कि ग्रेस मार्क्स के कारण है, जो लॉस ऑफ टाइम के कारण दिया गया था उस कारण ऐसा हुआ था। ये का जो ये दोहरा चरित्र है वो धीरे धीरे सामने आ रहा, और भी सामने आता जाएगा, थोड़ी समय दीजिए बस। चलिए, तो हमने यहाँ देखें कि किस तरह से यहाँ पे लगातार हम अपने कैमरामैन जो है अपने कैमरा से दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है विरोध प्रदर्शन के लिए शांतिपूर्वक जो है लोग बैठे हुए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो विरोध प्रदर्शन में आप कल भी बैठे होते, तो कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहने का आपने प्लान बनाया है? सर, हमें तो यहाँ पीएम साहब बैठने ही नहीं दे रहे, जो कि उनका हम अपनी लड़ाई ना लड़ सकें। हमें परमिशन नहीं दी जा रही यहाँ बैठने के लिए, आज की परमिशन है हमारे पास, बस आज भर की परमिशन। हाँ जी, तो हमारी यही है, पहले सबसे पहली मांग तो पीएम साहब हमारे को यहाँ धरना प्रदर्शन करने की परमिशन दी जाए, जो कि हम अपनी मांग पीएम साहब के तक पहुंचा सके। एनटीए लगातार इस बात को इनकार कर रहा है कि एग्जाम दोबारा से होगा, हालांकि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था 1563 बच्चों को, उसको उन लोगों को फिर से दोबारा एग्जाम देना होगा, ऐसा कोर्ट का आदेश आया है। ये कोर्ट का आदेश जो आया है ये तो बच्चों के साथ बहुत गलत है। 1563 बच्चे ही नहीं इसके भागे, रैंक 35,000 से 40,000 बढ़ा है, तो 1500 बच्चों से नहीं सुधर सकता। तो इस पर पूरी सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए और सारे बच्चों का री एग्जाम दोबारा से कराया जाए, जिस और पारदर्शिता के साथ, चाहे इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ना करके किसी और अच्छी संस्था के द्वारा कराया जाए। चलिए, तो हम यहाँ जो है देख रहे हैं कि अभिभावकों से भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी लोग इस विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं, और जो है इस बात को लेके कि एनटीए को जो है रद्द किया जाए, एनटीए जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी है, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सर, जो आप लोगों की मुख्य डिमांड है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, वैसा तो कोर्ट ने मानने से इनकार किया है। 1563 नहीं किया, अगली सुनवाई होगी सर उस पर, अगली सुनवाई के बाद फिर फाइनल डिसीजन कोर्ट का आएगा। अभी तो 1500 जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका रीपेपर 23 जून को कराने के ऑर्डर दिए हैं, पर जो बाकी की चीज़ें हैं उन पर दोबारा से एक और बेंच बैठेगी, तब उस पर डिसीजन आएगा। अभी मना नहीं किया है, चीज़ें जारी हैं, और जब तक हमारा रीनीट नहीं होगा तब तक ये अनशन, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों को बैठने की परमिशन आज तक की ही दी हुई है? बैठने की परमिशन सर एसपी दे देता है तो डीएसपी मना कर देता है, कभी एसएचओ मना कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उन पर उठता है कि हमें पीसफुली प्रोटेस्ट भी क्यों नहीं किया दिया जा रहा, जब संविधान में आर्टिकल है हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट का, उसके बाद भी ये हाल है, किस चीज़ का डर है आपको? या तो आप एनटीए को बचा रहे हो, या जो धांधली हुई आप उसको बचा रहे हो, क्योंकि ये देश में नहीं पूरी दुनिया भर में मैसेज जा चुका है कि डॉक्टर की जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें ही इंडिया के अंदर स्कैम चल रहा है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य देश के लिए क्या हो सकता है कि जो देश का भविष्य है, डॉक्टर जो गरीबों का हमारा आपका इलाज करेगा उनके साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है हमारा। पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक के भी मामले सामने आते रहे, एग्जाम में जो है बच्चे बहुत दिन से तैयारी करते हैं, अपना उनका अपना टाइम जाता है, एनर्जी आता है, पैसा भी उनका बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो लगातार इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो एक आप लोग जो है क्या किस तरह के सुधार चाहते हैं एनटीए में? एनटीए में ये सुधार चाहते हैं, पारदर्शिता हो, क्लियर कट सिस्टम हो। अब ये ओएमआर शीट के थ्रू टेस्टिंग करते हैं एमबीबीएस के पेपर की, और उसको ये बोल दिया जाता है कि आप इसको फिल मत करो, आप खाली पेपर छोड़ाओ, जो आंसर होंगे हम अपने आप बाद में इसको फिलअप कर लेंगे, जिन स्टूडेंट्स की बातचीत पैसे वैसे दे के जो भी इनकी सेटलमेंट होती है, इस तरीके से ये लोग कंडक्ट अपना करते हैं कि ओएमआर शीट खाली छोड़ दो, हम बाद में इसको अपने फिल कर लेंगे और आपके ग्रेस मार्क्स जो भी आपको नंबर मिलने हैं टॉप मार्क्स में वो आपको दिलाएंगे, तो ये पारदर्शिता थोड़ी चाहिए। अब ऑनलाइन सिस्टम का भी मैं बता दूं, जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पेपर लेती है टीसीएस, टीसीएस में इतनी पारदर्शिता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस सिस्टम को हैक कर ले और पेपर उठवा के मतलब स्कैम हो जाए देश के अंदर। जब टाटा पेपर कंडक्ट करता है जब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, जब एनटीए के बाद पेपर आ जाता है तब अपने आप ही सारी चीज़ों में गड़बड़ाने लग जाती, तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पेपर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा तो भाई आप मना कर दो कि हम नहीं करा सकते, ये स्कैम तो मत करो, देश का भविष्य तो मत बिगाड़ो। अब डॉक्टर है भाई साहब, डॉक्टर कल सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करेगा, अगर वो ऐसे झूठे नंबरों से पास होगा वो क्या इलाज करेगा, उसको इलाज ही नहीं पता होगा कैसे करना है, तो ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए हमें देश में।
तो आपने सुना यहाँ पे जो आए हुए साथी हैं यहाँ पे लगातार इनके साथ जो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन और एनटीए में सुधार की बात कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है 24 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो सिर्फ 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं सिर्फ उनसे कुछ नहीं होगा, बल्कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर सुधार की ज़रूरत है। सर क्या कहेंगे, जो पूरा नीट का जो स्कैम हुआ है, जो पूरा मामला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले माननीय मोदी जी से हमारी ये विनम्र निवेदन है कि सर इसकी सीबीआई जांच कराएं और तुरंत दूध का दूध पानी का पानी करिए, और आगे चल के इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि दूसरा जो बच्चों का रीनिट एग्ज़ाम करवाएं, सो दैट जो भी ये धांधली हुई, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग कराते रहोगे तो जिनने धांधली करके वो नंबर ले आए हैं वो लोग आगे भी चले जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। तो हमारी यही चीज़ है कि गरीब का बच्चा जो मेहनत कर रहा है, 24 लाख में से आज हमारी गवर्नमेंट की मात्र 50-60 हज़ार सीटें हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल ड्रॉप लेके कर रहे हैं, पर 640-630 नंबर लाने के बाद आज उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। उसके लिए नीट वालों से हमें ये है कि रीनीट कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए और आगे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ऐसा देखा गया है कि लगातार पिछले कई सालों से जो है हमेशा कि पेपर लीक के मामले होते रहते हैं, और हर जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो एसएससी का है, वो चाहे पीसीएस का है, जो है उसमें इस तरह की लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन एक समग्र कार्रवाई नहीं होती है। शुरू में तो कुछ वैसा कुछ गिरफ्तारियाँ होती है, लेकिन फिर बाद में कोई पूर्ण कार्रवाई नहीं होती। क्या कहें, हम चाहते हैं कि सीबीआई जाँच हो, पेपर लीक का मामला ही नहीं है, ये इंटरनल मैनिपुलेशन का मामला है, और ये मैनिपुलेशन किया गया है, कहीं ना कहीं ओएमआर से छेड़छाड़ की गई बच्चों के, इसलिए इतना ज़्यादा वेरिएशन आया है रिजल्ट में, तो सीबीआई जांच होगी तो सारी चीज़ बाहर आएगी। चलिए, तो हमने जो है यहाँ कई लोगों से बात की, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ लगातार हुए हैं। मैम, क्या आपने पेपर दिया है? तो क्या मुख्य मांगे हैं आपकी, किस तरह की गड़बड़ियों की बात आप बताना चाहिए? काउंसलिंग पे स्टे चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और पेपर लीक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपके कितने मार्क्स आए? 670। तो क्या इसमें कोई आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा? मुझे कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, पर जो मैं चाहती हूँ मुझे वो कॉलेज नहीं मिलेगा, जो मेरे मार्क्स पे मुझे मिलना चाहिए मुझे वो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, जो 67 बच्चों के मार्क्स जैसे 720 आए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उतने बच्चों ने मतलब ठीक ठाक मेहनत की हो, इस कारण जो है टॉपर्स इतने एक बार में एक साथ आ गए हों? आई डोंट फील सो कि इतने ह्यूज अमाउंट में टॉपर्स आ सकते हैं, क्योंकि पेपर मैंने खुद भी दिया है, और मैं बहुत सारे एग्जाम्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर देती रही हूँ, नीट के पैटर्न पे बेस्ड बहुत सारे मैंने एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 720 स्कोर करना इतना ईजी है कि हर कोई स्कोर कर ले जाएगा और 70 बच्चे कर ले जाएंगे, तो इट इज़ नॉट सो ईजी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल आई गेस। 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स हैं उनको कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उनके लिए ये बात कही है कि उनको दोबारा एग्जाम देना होगा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ से सैटिस्फाइड हूँ, यही होना चाहिए था, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है कोर्ट का। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है, आप लोग मतलब पूरी क्या क्या चाहती हैं? सर मैं बता चुकी हूँ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पेपर लीक के ऊपर, और वो सारी चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए, और उसके बाद जो भी जैसा भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है मैं उसमें सैटिस्फाइड हूँ और उसको एक्सेप्ट करूँगी। तो हमने यहाँ जो है कई विद्यार्थियों से भी बात की, तो इन्होंने बताया कि इनके मार्क्स अच्छे हैं, इनको एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, लेकिन जिस तरह का जो कॉलेज इनको चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पाएगा, और इन्हें कहीं से भी ये नहीं लगता है कि एक साथ इतने बच्चे टॉप कर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी तैयारी है तो उन्होंने ये बताया है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है, और इनकी मांग है कि एनटीए को रद्द करना चाहिए और एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाना चाहिए। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर, आप अपनी राय और कमेंट ज़रूर लिखें। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।